हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप पहली बार इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें। और अगर वीडियो लगे अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल एंड ट्विटर आईडी को जरूर ज्वाइन एंड फॉलो करें। इससे बेनिफिट क्या होगा कि मैं आपके साथ प्री मार्केट पर डेली वीडियोज अपलोड करता हूं कि कल किस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड करना चाहिए। लेकिन लाइव मार्केट में कभी कभी सिचुएशन चेंज होती है तो वहां पर आपको जो अपडेट दी जाती है वो टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है। तो आप अगर वहां पर अपडेटेड रहेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे कि हमने प्री मार्केट में एक जगह पर प्लान किया था कि बैंक निफ्टी में हम बाई करेंगे, लेकिन वहां पर मैंने तुरंत मना कर दिया कि बाइंग नहीं करनी है। तो ऐसे अपडेट्स आपको मिलते रहें, इसके लिए आप जो है कि इस चैनल पे ज्वाइन रहें। प्लस साथ साथ कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करता हूं। हमने डेली बेसिस पे प्री मार्केट एनालिसिस का वीडियो करते आए हैं और हम कल किस तरीके से ट्रेड होना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी में उसकी प्लानिंग करते हैं। ओके, तो मैं उस पर बाद में आता हूँ, लेकिन अभी हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आज के लिए जो हमने प्लानिंग करी थी उसमें क्या सही गया क्या गलत गया, हम उससे लर्निंग लेते हैं। सो हमारा पहला प्लानिंग था निफ्टी में हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे। ओके, ये जो लेवल था आपका यहाँ पे इसके नीचे शॉर्ट था। तो यहाँ पे देखिए आपका जैसे ही मार्केट गया यहाँ से आपने शॉर्ट किया होगा। सो ऑल द वे कम से कम 150 से पॉइंट से भी ज़्यादा 150 पॉइंट से भी ज़्यादा मार्केट आपका गिरा, तो ये आप गेन ले सकते थे। पहला पॉइंट बैंक निफ्टी में हमने शॉर्ट करने का प्लानिंग किया था। यहाँ पे एक बार इस जगह पर हमारा बाइंग का प्लान था, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा एक बार बाइंग का प्लान था, लेकिन मैंने तुरंत आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट किया कि भाई बाइंग नहीं करना है बैंक निफ्टी में, अवॉइड करो। ओके, देन उसके बाद आप अगर शॉर्ट करते तो आपका यहाँ पे सीधे सीधे जो शॉर्ट का लेवल था, क्योंकि उसके बाद तुरंत हमें शॉर्ट भी यहीं पे करना था, बाइंग नहीं करना था, देन उसके बाद शॉर्ट करना था अगर ये लेवल टूट जाता तो। शॉर्ट अगर आप करते तो यहाँ से ऑल द वे आपको 400 प्लस पॉइंट्स का डाउनफॉल बैंक निफ्टी ने दिखाया। सो एक बहुत ही अच्छा ट्रेड आपका गया होगा आज के दिन अगर आपने किया होगा तो। अब डेली बेसिस पे आप ये वीडियो देखिए, प्लस लेवल्स को वॉच करिए, मार्क करिए कि यहाँ पे इसके नीचे सेल करना है इसके नीचे बाई करना है। मैं एक वीडियो अगर होगा तो बना दूंगा, आप लोगों को और ईजी पड़ जाएगा। ओके, सो ये पूरा एक प्लान रहता है। और डेली बेसिस पे आप अगर यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर रहेंगे तो आपको अपडेट्स वहाँ पे लाइव मार्केट मिलेगी। ओके, चलिए सो अब हम प्लान करते हैं कल के लिए हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो कल के लिए हमारा जो प्लानिंग होगा, सबसे पहले आपको फॉर्मेट मेरा पता है, मैं डेटा प्लस चार्ट, तो सबसे पहले डेटा को चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो डेटा में पॉइंट ये है ऑप्शन चैन, तो ऑप्शन चैन पे हमने कल ये भी देखा था कि अगर 18,000 का पुट का वाई गिरने लगेगा तो समझिए मार्केट आपका नीचे जाएगा। तो आज देखिए 32 लाख पुट का वाई ऑलमोस्ट आपका डाउन हो गया और कॉल का वाई बढ़ने लगा है। मैंने आपको कल ये भी आइडिया दिया था, हिंट दिया था प्री मार्केट में कि अगर 18,000 का कॉल का वाई बढ़ेगा पुट का वाई घटेगा तो मार्केट आपका डाउन जाएगा, और आप वही हुआ एकदम देख सकते हैं। सो मैं आपको प्रॉपर एक खुद का अपनी एनालिसिस करने के लिए मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस बूस्ट करवा रहा हूँ आपका। तो आपको वहाँ पे लॉजिक्स लिखने चाहिए और याद करने चाहिए, और अगर आप पहली बार हो तो आपको यहाँ पे ये नोट कर लेना चाहिए कि अगर कॉल का वाई बढ़ता है तो मार्केट वहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है या फिर नीचे जा सकता है, और अगर पुट का वाई बढ़ता है तो मार्केट वहाँ पे सपोर्ट ले सकता है या फिर और ऊपर जा सकता है, और अगर कॉल का वाई घटता है तो मार्केट और ऊपर जा सकता है, और अगर पुट का वाई घटता है तो मार्केट और नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे लॉजिक देखिए, कॉल का वाई बढ़ा मतलब कि रेजिस्टेंस, पुट का वाई घटा मतलब कि मार्केट नीचे, तो रेजिस्टेंस प्लस मार्केट नीचे मतलब कि मार्केट आपका पूरा पूरा नीचे। तो ये सब आप चीजों को याद रखिए, नोट करिए। ओके, और अच्छा लगता हो तो लाइक करते जाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास क्या है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो 18,000 अभी बहुत ही अच्छा वाला पक्का वाला स्ट्रांग वाला रेजिस्टेंस बन गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी जो वाई है ऑलमोस्ट 1.34 करोड़ है। So, 1.34 करोड़ आपका कॉल में ओआई है, और पुट में ओआई जो है उसका हाफ से भी कम 58 लाख। तो यहाँ पे आपका 18,000 जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सपोर्ट हमारे पास क्या है? तो हमारे पास जो अभी का सपोर्ट है वो 18,000 ही है, लेकिन मुझे लगता है कि टूट जाएगा। सो अगला सपोर्ट हमारा 17,900 का होगा। एक बार निफ्टी का लेवल देख लेते हैं यहाँ पे 17,914। तो आपका यहाँ पे समझिए कि जो सपोर्ट है वो 17,900 का है, बट ऑप्शन चैन में दिख रहा है, काम करेगा नहीं करेगा वो जरूरी नहीं है। तो वो कैसे नहीं काम करेगा मैं आपको बताता हूँ आगे। सो हमें अगर रेंज देखनी है तो 18,000 ऊपर की रेंज, और नीचे की जो रेंज है हमारी 17,700 की है। तो 300 पॉइंट का यहाँ पे हमें रेंज मिला है। अब हमें कल देखना क्या है? हमें कल चेंज देखना है। हमें ये देखना है कि अगर मार्केट 17,900 के नीचे खुला और 17,900 का पुट का ओआई गिरने लगा और कॉल का ओआई बढ़ने लगा तो समझो मार्केट आपका और नीचे जा सकता है। पहला प्लान। दूसरा प्लान, अगर मार्केट 17,900 के ऊपर खुला और 17,900 का पुट का ओआई बढ़ने लगा, जो कि अभी 57 लाख है, अगर ये बढ़ने लगा और कॉल का ओआई घटने लगा, कॉल का ओआई घटने लगा 17,900 वाला प्लस 18,000 वाला,
तब आप समझो मार्केट आपका ऊपर जा सकता है। तो ये चीजें नोट करके चलो, अगर आप पहली बार आए हो, पहली बार देख रहे हो, आपको नॉलेज नहीं है उतना, तो आप इन चीजों को नोट करो, एक्सपीरियंस अपने आप आ जाएगा, डेली बेसिस पे वॉच करो। तो हमें ऑप्शन चेन से क्या मिल गया, 17,700 एंड 18,000 का रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ मिल गया है। एक बार फ्यूचर के वाई को अगर हम देखें तो फ्यूचर के वाई में हमें सीधे सीधे क्लियर कट पता चला है, मार्केट आपका डाउन है और ओआई जो आपका है वो कल था 1.28 करोड़, तो आज के दिन में ओआई बढ़ा है, तो इसको शॉर्ट बिल्टअप बोला जाता है। ओके, अगर प्राइस आपका घटे ओआई बढ़े तो शॉर्ट बिल्टअप बोला जाता है, तो यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप आपका हो रहा है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, तो फ्यूचर का जो व्यू है नेगेटिव है, तो हमें कल किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए इसको एक बार समझ लेते हैं। तो अब देखिए मार्केट में, ये मैं कैश का लेवल बता रहा हूँ आपको, निफ्टी का, ये बात याद रखिए, निफ्टी में आपको कहाँ से प्लान करना है ट्रेड वाला और कहाँ से सेल वाला। तो देखिए मार्केट आपका ये जो है ना एरिया, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा जो कि 18,000 का ही आसपास है, यस 18,000 ही है। सो 18,000 आपका वहां पे ऑप्शन चैन पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। सो मार्केट को ये एरिया जो कि शुरू हो रहा है 17,980, 17,980 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, यानी ऊपर जाएगा तो, और किसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा प्रॉपर बेसिस पे 18,010 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगा तो ही मार्केट आपका बुलिश होने का ट्राई करेगा, अदरवाइज मार्केट इसके नीचे बेयरिश रहेगा। समझ गए, इस लेवल के नीचे मार्केट आपका बेयरिश रहेगा, आपको यहाँ पे ट्रेड करना है बेयरिश साइड वाला। ओके, तो आपको प्लान कैसे करना है, तो अगर मार्केट आपका फ्लैट खुलता है ऊपर जाता है तो यहाँ पे आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख करके सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका होगा 17,850 का। ओके, ये पहला प्लान हो गया। दूसरा प्लान हम एक बार कर लेते हैं, मार्केट को हमें अगर बाउंस बैक करना है तो बाई कहाँ से करेंगे। देखिए फिलहाल अभी मुझे बाई का लगता नहीं है, बाई एकदम लाइव मार्केट में अच्छे कंफर्मेशन के साथ आएगी तो ही हम बाई करेंगे, अदरवाइज बाई नहीं करेंगे। बट फिर भी जैसा कि आपको लग रहा है कि पॉइंट ये है कि भाई बाई तो करना पड़ेगा, ओके, कहीं ना कहीं ऐसा तो छोड़ नहीं सकते, तो हम एक बार बाई करने का जो प्लान करेंगे वो प्राइस सेक्शन याद रखिए, अगर आपका थोड़ा सा ऊपर खुला या फिर थोड़ा सा फ्लैट खुला और मार्केट आकर के धीरे धीरे आया, हौले हौले आया और इस जगह पर पुल बैक देगा तो हम बाई का प्लान करेंगे और टारगेट हमारा पहला वाला हो जाएगा 17,970। समझ गए, बाई कहाँ से प्लान करेंगे, 17,810 या 820 मान लो, 17,820। तो 17,820 अगर आपका मार्केट आता है वो भी कैसे साइडवेज खुल करके हौले हौले इधर आया, तो अगर खोलते ही धड़ाम से तोड़ दिया तो फिर बाई नहीं करना है। समझ गए, पहली कैंडल नहीं अगर इस पूरी रेंज को तोड़ दिया जो कि 17,795 है, अगर इसके नीचे क्लोज हो गई तो आपको बाई नहीं करना है, ये बात याद रखो। एक ही पांच मिनट की कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज हो गई तो बाई नहीं करना है। ओके, फिलहाल आप टेलीग्राम चैनल पर अपडेटेड रहोगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। पॉइंट याद रखो फिर से, इसके नीचे मार्केट हमारा सेलिंग एरिया में रहेगा, मतलब सेल ऑन राइज वीक रहेगा, और अगर इसके ऊपर निकलेगा तो ही हम प्लान करेंगे, बट अभी उसके लिए अभी देर है। तो पहला प्लानिंग यह था कि अगर फ्लैट खुलकर थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हमें सेल करना है। दूसरी प्लानिंग यह थी कि अगर यहाँ पे आकर के एक बाइंग के पॉजिटिव देता तो हम बाई भी करेंगे। ओके, ये सब एक प्लान लिखो। अब सेल कहाँ पे करेंगे, नीचे की साइड, तो नीचे की साइड सेल हम इसी लेवल के टूटने पर कर देंगे। अगर ये लेवल टूट जाता है तो इस लेवल के टूटने के बाद पुल बैक लेंगे, पुल बैक के बाद तब हम शॉर्ट करेंगे इस लेवल पे। ओके, तो हम पहले तो इस लेवल के पास आने पे बाई करेंगे, लेकिन अगर ये टूट जाता है तो हम सेल भी कर लेंगे, और अगर इसके ऊपर यहाँ पे आपका सेलिंग करेंगे इस लेवल पे, लेकिन अगर ये लेवल टूट जाता है, इसके ऊपर मार्केट क्लोज कर देता है और सस्टेन करता है तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी, और शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी तो मार्केट आपका खींच के चला जाएगा 17,150। तो आप यहाँ पे ये याद रखिए, और एक्सपायरी भी नज़दीक आ रही है तो हो सकता है वेनसडे कल है, तो कल वेनसडे के दिन एक्सपायरी वाला मूव आपको देखने को मिल सकता है। वैसे भी एक्सपायरी का मूव एक्सपायरी के एक दिन पहले आ रहा है अभी आज कुछ दिनों से, तो ये आप प्लान करके चलिए। अब बैंक निफ्टी की बातें कर लें, सो बैंक निफ्टी का 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम है, मैं एक बार 5 मिनट पे चला जाता हूँ। ओके, तो मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से कैश लेवल आपको बता रहा हूँ सब। अच्छा, बैंक निफ्टी में हमारा जो प्लान था ना, वो क्या कहते हैं उसको, हेड एंड शोल्डर वाला फेल हो गया। देखो कोई भी पैटर्न है ना, फेल ऐसे ही होता है, तो पैटर्न फेल कैसे होता है आप यहाँ पे याद रखो। तो हमेशा आप चीजों को नोट करके रखो, जैसे कि मैंने कहा ना कि यहाँ पे आपको इसके नीचे, यहाँ पे आने पे बाई करना है लेकिन इसके नीचे शॉर्ट करना है। तो यहाँ पे आप देखिए क्लियर कट नहीं, यहाँ पे बाइंग थी, इस जगह पे बाइंग थी हमारी प्री मार्केट में, और यहाँ पे मैंने आपको अपडेट भी कर दिया था कि आपको बाई नहीं करना, तो उस लेवल के पास पहुंचा भी नहीं था, फिर भी मैंने तुरंत मना कर दिया कि आपको बाई नहीं करना है। और देख रहे हो कंटिन्यू वो लेवल टूटने के बाद आपको मार्केट डाउन, सो यहाँ से भी आप
बाइंग मतलब बाइंग तो करना ही नहीं था क्योंकि मना कर दिया था टेलीग्राम चैनल पे। प्री मार्केट में एक बार हमारी प्लानिंग थी कि बाई करेंगे, लेकिन उसके बाद तुरंत मना कर दिया टेलीग्राम में क्योंकि नहीं करना था। उसके नीचे सेलिंग करना था, तो आप देख सकते हो सेलिंग में बेनिफिट हो गया। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसलिए मैं कहता हूँ टेलीग्राम चैनल पे अपडेटेड रहो कन्फर्म। अगर ना मिले तो टेलीग्राम में स्टॉक या इन्वेस्टर सर्च कर लो, मिल जाएगा। ओके चलिए अब हम क्या करेंगे बाइंग के लिए, हमारा जो मार्केट आएगा ना, 5 मिनट पे मैं अगेन आ जाता हूँ। ये जो एरिया है इसका नाम है 42280, यानी 42280 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा मार्केट बैंक निफ्टी आपका, तब तक वो बेरिस रहेगा, ये बात याद रखिए। इसके ऊपर ही बुलिस है, आप याद रखिए। ओके तो इसके ऊपर आपको बाई करने का प्लान करना है, लेकिन कैसे, हमारा प्राइस सेक्शन आपको पता है ना, ब्रेकआउट वाला प्राइस सेक्शन, ये सीक्रेट मैं अपने बताता हूँ। ऐसे प्राइस सेक्शन मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, यहाँ पे आपको फ्री में सिखा रहा हूँ क्योंकि आपको कुछ मैं देना चाहता हूँ, एटलीस्ट आपको हेल्प करना चाहता हूँ। ओके और आप अगर प्रॉपर बेसिस पे मुझसे सीखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे डिटेल है, आप ये वीडियो देख सकते हैं। प्लस मैं मेरी नई बैच जो ज्वाइन हो रही है 23 जनवरी को चालू हो रही है, तो ये वीडियो आप देख करके, यहाँ पे भी वैसे टेलीग्राम में मैंने दे रखा है, ये वीडियो देख करके आपको अगर अच्छा लगे तो जो जो मैं पढ़ाने वाला उसमें मैंने पूरी प्रॉपर डिटेल दे रखी है, आप इसको देख करके अच्छा लगे तो ज्वाइन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है, फीस आप बहुत ही नॉर्मल है और जो सीट्स हैं वो भर रही हैं, तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करेंगे तो बेटर होगा। सो इसके नीचे, इसके ऊपर आपका जो है कि बाइंग करेंगे, लेकिन प्राइस सेक्शन क्या है, इसके ऊपर आने देना है, फिर नीचे जाने देना है, फिर उसके बाद जब ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट पर हम बाई करेंगे, ये हमारा प्राइस सेक्शन है। ओके चलिए अब हम सेल कहाँ पे करेंगे, नीचे के साइड। तो नीचे के साइड जो हम सेल का प्लान करेंगे वो प्लान करेंगे इसके नीचे, अगर मार्केट आपका फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलता है और नीचे आता है हौले हौले और इसको तोड़ देता है, तो यहाँ पे पुल बैक में हम शॉर्ट करेंगे, तो पहला हमारा टारगेट होगा 41500। यहाँ पे हम इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, ये बात याद रखिए। ओके तो ये दो प्लानिंग है बैंक निफ्टी में, और अगर कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे इसके अलावा कुछ मिलेगा, ये सब चीजें अगर नहीं बन रही होंगी, प्राइस नहीं फुलफिल हो रहा होगा, तो अगर कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और अगर कोई डाउट हो आपका तो मुझे इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। स्टॉक मार्केट में कहीं भी अपडेट करो, अगर आपका कोई डाउट है, कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कोई डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग ऑल द बेस्ट।